ओबीसी सर्वे में छूटे लोगों सहित जिनके राशन कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं, उनका निगम द्वारा शिविर के माध्यम से राशन कार्ड बनाया जा रहा है। अब तक लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपना आवेदन जमा किया है। शासन के आदेश पर दुर्ग नगर पालिका निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर शहर सीमा क्षेत्र अंतर्गत छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड एपीएल एवं बीपीएल परिवारों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है, जिसका लाभ शिविर में पहुंच हितग्राही उठा भी रहे हैं। छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड बनवाने एवं पेंडिंग राशन कार्ड का निराकरण कराने के लिए हितग्राही आवेदन लेकर बड़ी संख्या में शिविर पहुँच रहे हैं। गौरतलब है कि शहर के सभी 60 वार्डों में निगम द्वारा सूचनाएं भी प्रसारित कर लोगों को जानकारियां दी जा रही है, जिसमें लोग अपना एपीएल व बीपीएल राशन कार्ड बनवाने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही निगम द्वारा नियमित समीक्षा के तहत भौतिक सत्यापन एवं पात्रता की जांच कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 के तहत नवीन राशन कार्ड जारी किए जाने के निर्देश के तहत शिविर वार्डों में लगाया जा रहा है। इस संबंध में निगम आयुक्त ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्ड के लिए हमने टोटल 16 जगह हमने चिन्हित किया हुआ है और एक जगह में हम लोग 3-3 करके टोटल हमने 8 बनाया हुआ है और लगातार यह हम भी 1 मार्च तक हम चलाने का इसको प्रयास कर रहे हैं। इसमें जितने भी राशन कार्ड नहीं बने हैं, चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, सभी राशन कार्ड हम के आवेदन हम ले रहे हैं। अभी तक लगभग 60 के आसपास हमको आवेदन मिल गए हैं। इसमें मोस्टली जो है हमको बीपीएल और एपीएल दोनों को मिल रहे हैं और अभी जब हम 3 दिन बाद से हम दूसरे वार्ड में जब शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हमको अच्छे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। प्रॉपर मुनादी करके हम इसको राशन कार्ड बनाने का अभियान हम चला रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।